اشراقت نفسي. हमारे चैनल तबलीग टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं. जो लोग वफात हो चुके हैं उनके नाम की कुर्बानी कर सकते हैं, तरीक़ाकार क्या होगा? कुर्बानी की जा सकती है, वो नफली कुर्बानी होती है. किसी का इंतकाल हो गया, किसी के वालिद का, वालदा का, भाई का, बहन का, वो चाहता है कि मैं उसकी तरफ से कुर्बानी करूं. तरीक़ा उसका यही है कि आप जिस तरह एक जानवर में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, एक हिस्सा उनका डाल दें. मिसाल के तौर पर आपने अपने तीन हिस्से डालने हैं जो आप पर वाजिब हैं, तो आप तीन के बजाय चार हिस्से डाल दें. तीन बकरे आप ज़िबा कर रहे हैं, तीन के बजाय चार ज़िबा कर दें, तो उनकी तरफ से भी कुर्बानी हो जाएगी. और जो नफली कुर्बानी होती है उसमें एक हिस्से में आप बहुत से लोगों की नियत भी कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर एक वाजिब कुर्बानी आपकी अपनी है, एक हिस्सा आपने अपना डालना है, एक हिस्सा आप नफली डालना चाहते हैं, तो वो नफली हिस्सा आप 10 बंदों की तरफ से भी डाल सकते हैं. कि किस मिसाल के तौर पर किसी के 10 मरहूमीन हैं, वो कहता है कि ये एक नफली हिस्सा मैं अपने तमाम मरहूमीन की तरफ से डाल रहा हूँ, तो नफली कुर्बानी 10 बंदों की तरफ से भी आप कर सकते हैं. वाजिब कुर्बानी एक बंदे की तरफ से ही होती है. नफली कुर्बानी में आप जितने लोगों की नियत कर लें सबको इंशाल्लाह सवाब पहुँच जाएगा.